तो यार अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स में कुछ इस टाइप की सारी वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, इतनी ज्यादा वायरल हो रही है यार। जो भी बंदा इस टाइप की वीडियो को एडिट करने के बाद इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड कर रहा है तो सभी का वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है। लिटरली गाइस, अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, आप लोग भी अगर एडिट करने के बाद इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड करोगे, आपकी वीडियो भी यहाँ पर वायरल हो सकती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस वीडियो को हम एडिटिंग कैसे करें, तो आपका भाई है ना एडिटिंग के लिए यार, आपका भाई सिखाएगा कि इस टाइप की वीडियो को आप कैसे बना सकते हो। हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस टाइप की वीडियो को कैसे बना सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप से बताने वाला हूं, स्टेप से सब कुछ आउट आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर बार मैं आप लोगों को एक वीडियो में यही बोलता हूं कि बस आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जब आप लोग यार इस वीडियो को लाइक करते हो ना तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फाइनली गाइज, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को प्ले स्टोर से जाके दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो गाइज फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा होने वाला है पिक्सल लैब एंड सेकंड एप्लीकेशन का नेम है एलिट मोशन। ये दोनों एप्लीकेशन गाइज आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले गाइज यहाँ से करना क्या होगा, आप लोगों को अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो फाइनली गाइज मैंने अपने यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, आप लोगों को कुछ इस टाइप्स का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या होगा, ऊपर की साइड आप लोगों को थ्री डॉट पर टैप कर लेना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इमेज साइज का, तो आपको इमेज साइज पर क्लिक कर लेना होगा। एंड अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, जहाँ पर विड्थ लिखा है यहाँ पर आपको नाइन लिख लेना होगा एंड जहाँ पर हाइट लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ से आप लोगों को 16 सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। 16 को सेलेक्ट करने के बाद ये 9:16 रेशो सेलेक्ट करने के बाद अब ओके पर टैप कर लेना होगा। तो जैसे आप ओके पर टैप करेंगे, अब आप लोग देख सकते हो आपका जो कुछ इस टाइप का यहाँ पर फुल स्क्रीन वाला रेशो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को ए पर क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको एडिट में चले जाना होगा, ठीक है। एडिट में जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर गाइस आप लोगों को अपनी जो शायरी वगैरह आप लिखना चाहते हैं, आप लोगों को अपनी शायरी वगैरह को लिख लेना होगा। ओके, तो फाइनली गाइस मैंने अपने यहाँ पर अपनी शायरी को लिख दिया है एंड शायरी वगैरह आप लोगों को लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर टैप कर लेना होगा। तो जैसे आप ओके पर टैप करेंगे, अब आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर कर लेना होगा, यानी कि आप लोगों को अपनी वीडियो को कुछ स्टेप से टू लाइन में आप लोगों को शायरी को कुछ स्टेप से कर लेना होगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब सबसे पहले आप लोगों को नीचे साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट का, ठीक है। तो जैसे आप फॉन्ट पर टैप करेंगे, आप लोग देख सकते हो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर आपको फॉन्ट्स में आना होगा एंड फॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे, सो बट यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन फॉन्ट देखने को मिलेगा, इस फॉन्ट का नेम है ब्लॉगर सेंस बोल्ड, ठीक है। तो ब्लॉगर सेंस बोल्ड को आपको कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर इस टाइप से ये फॉन्ट आप लोगों के टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद फिर से आप लोगों को इसकी वीडियो के लेयर पर क्लिक करना होगा एंड अब आप लोगों को कलर वाले आइकन में चले जाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसमें ब्लैक कलर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना होगा। वैसे आप लोग कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई और कलर भी आप लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को ब्लैक ही बोला तो आप लोगों को भी ब्लैक ही कर लेना होगा, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग कोई टेक्स्ट को अलग कलर ऐड करना चाहते हैं अपने कोई अलग टेक्स्ट के अंदर, तो उसको कैसे ऐड करना है आपको सबसे पहले नीचे कुछ स्टेप से कर लेना होगा। जिस भी टेक्स्ट को आप अलग कलर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रेड कर लेता हूँ एंड कोई नीचे टेक्स्ट भी मैं अलग करना चाहता हूं तो उसको यहां पर कुछ स्टेप से मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब करना क्या होगा, अब आप लोगों को ऊपर की साइड प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा एंड फ्रॉम गैलरी में आपको पहुंच चले जाना होगा। तो जैसे आप गैलरी में जाएंगे, आप लोगों को यहां पर इस इमेज को ऐड कर लेना होगा। गाइज अगर आपके पास ये इमेज नहीं है तो इस इमेज का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको ऐड करने के बाद ओके पर टैप कर लेना होगा। ओके पर टैप करने के बाद ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले नीचे की साइड इस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इरेज कलर का, ठीक है। तो जैसे कि आप इरेज कलर पर टैप करेंगे, इसको इनेबल कर लेना होगा। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो देख सकते हो जो इसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद ओके पर टैप करना होगा एंड ओके पर टैप करने के बाद अब आप लोगों को नीचे साइड एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर फील का, तो आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसमें आप लोगों को ब्लैक कलर
सेलेक्ट कर देना होगा, ठीक है। इसमें आप गाइज आप लोगों को तो गाइज आप लोगों को इसमें ब्लैक कलर्स ऐड कर लेना होगा, एंड इसको जहाँ पर भी आप लोग एडजस्ट वगैरह करना चाहते हैं वहाँ पर आप लोगों को इसको एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों को गाइज अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करना चाहते हैं, आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा। ऊपर साइड आपको देखने को मिल जाएगा प्लस वाला आइकन, एंड उस पर टैप करने के बाद यहाँ से आप लोगों को टेक्स्ट पर टैप कर लेना होगा। तो देखते हैं कुछ स्टेप से हमारा यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से आपको ए पर क्लिक कर लेना होगा, एडिट पर चले जाना होगा, ठीक है। एडिट पर जाने के बाद जो भी आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नेम लिखना चाहते हैं, आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी नेम यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हो मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नेम लिख दिया है विनीत एडिट्स, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद अब आप लोगों को इसमें फॉन्ट वाले आइकन पर चले जाना होगा, एंड अगर आप लोग इसमें कोई फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें कोई एक अलग फॉन्ट भी आप लोगों को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों को कुछ स्टेप से इसको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद मैं इस फॉन्ट का जो कलर है उसको मैं यहाँ पर समथिंग ब्लैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब हमारी जो शायरी वीडियो शायरी है वो तो क्रिएट हो चुकी है। अब आप लोगों को लास्ट काम यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे आप देखते हो कुछ इस टाइप का हमारा जो शायरी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हमें इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना होगा, तो सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस वाले आइकन पर टैप करना होगा, सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना होगा, एंड यहाँ पर आपको पीएनजी को पीएनजी रहने देना होगा, एंड यहाँ पर कस्टम है जहाँ पर इसको अल्ट्रा आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अल्ट्रा को सेलेक्ट करने के बाद अब सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे आप लोग देखते हो ये फोटो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर अपने सेकंड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन का नेम है एलाइट मोशन। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, एंड गाइस आप लोगों को अपने नेट कनेक्शन को भी ओपन कर लेना होगा। अगर आप लोगों ने ओपन नहीं किया होगा तो डाटा को भी आप लोगों को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को 9:16 की रेशो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में चले जाना होगा, एंड बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर देन क्लिक कर लेना होगा। तो देखते हो कुछ स्टेप से यहाँ पर आपका इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा, मीडिया में चले जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद जो हमने अभी फोटो को ऐड किया था, अब आप लोगों को उस फोटो को जो हमने सेव किया था आप लोगों को उस इमेज को यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं फट से हमारा यहाँ पर इमेज आ जाएगा। तो देखते हो हमारा कुछ स्टेप से जो हमारा तो फाइनली गाइज हमारा यहाँ पर जो इमेज है वो ऐड हो चुका है। उसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोगों को इसके लेंथ को कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना होगा जितना बड़ा वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 5 सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं तो 5 ही भी बना सकते हैं, 7 सेकंड की बनाना चाहते हैं तो 7 की भी बना सकते हो। अभी के टाइम पर गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को 7 सेकंड की वीडियो ही बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज आप लोगों को एक बात को ध्यान रख लेना, अगर आप 5 सेकंड की वीडियो एक वीडियो बनाएंगे तो सारी वीडियो आपको 5 सेकंड की बनानी है, अगर 7 की बनाएंगे तो सारी वीडियो आपको 7 की बना लेनी होगी। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को अपनी इस इमेज के अंदर इफेक्ट्स को कैसे डालना है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इस इमेज के लेयर पर क्लिक कर लेना होगा, एंड इफेक्ट्स में जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना होगा। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है वो है वेव वॉर्प, ठीक है। आप लोगों को ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस स्टेप से। अब सबसे पहले करना क्या होगा, अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा, एंड प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद इसको सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, इसको यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ रख लेना होगा, ठीक है। कुछ स्टेप से 4 रख लेना होगा, एंड 4 रखने के बाद अब बिल्कुल आपको इसको लास्ट तक चले जाना होगा। लास्ट तक जाने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा, एंड प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद इसको गाइस बिल्कुल आप लोगों को यहां पर माइनस कर लेना होगा, ठीक है। तो देखते हो ये कुछ स्टेप से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एंगल देखने को मिलेगा, तो एंगल के अंदर एंगल पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी होगी। अब देखने को मिलेगा आपको स्पेसिंग, तो आपको स्पेसिंग पर आना होगा। स्पेसिंग पर आने के बाद इसको यहां पर आपको 1 पॉइंट कुछ रख लेना होगा, ठीक है। देखते हो मैं आपको बता देता हूं एक बार समथिंग, आपको इसको आपको 2.1 रख लेना होगा, ठीक है। इसको 2.2 या 2.1 आपको इसको रख लेना होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे हम मैग्नीट्यूड पर क्लिक करेंगे अब आपको इसको भी समथिंग आपको 2.3 या 2.4 आपको इसको रख लेना होगा। तो देखते हो हमारा वीडियो में कुछ इस टाइप से यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएगा, देखते हो, ठीक है। 2 पॉइंट कुछ इस टाइप से आपको इसको रख लेना होगा, ठीक है। इतना रखने के बाद अब मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देखते हो आपके वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा,
ये देख सकते हो ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, उसके बाद आपको फिर से इस वीडियो के लेयर पर क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट्स में चले जाना होगा। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको एंड देन आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखते हो आपके सामने बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्च ब्राउज में सर्च कर लेना होगा उस इफेक्ट के नेम है क्वेश्चन ब्लर ठीक है। तो देखते हो आपको इस इफेक्ट पर क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखते हो ये इफेक्ट यहाँ पर आपकी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को इसको यूज़ कैसे कर लेना होगा, तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा एंड इसको थोड़ा सा कर लेना होगा। तो देखते हो आपके वीडियो के अंदर कुछ स्टेप से यहाँ पर कलर हो जाएगा ना, आप लोगों को अच्छा लगे कलर आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं ठीक है। तो देखते हो मैंने कुछ स्टेप से यहाँ पर इस क्वेश्चन ब्लर को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जहाँ तक आप लोग अपनी वीडियो के अंदर ब्लर देना चाहते हैं वहाँ तक आप लोगों को देख लेना होगा। तो अभी के टाइम पे मैं समथिंग यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर यहाँ तक कलर को ऐड कर लेना हो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर प्लस पर टैप करना होगा एंड इसको बिल्कुल आपको माइनस कर लेना होगा। तो देखते हो जैसे मैं माइनस करूँगा आप लोग देखते हो आपका वीडियो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग खुद ही देखते हो हमारा वीडियो यार कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, प्लस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा एंड प्लस वाले आइकन पर टैप करने के बाद अगर आप लोग इसमें कोई ऑडियो वगैरह ऐड कर लेना चाहते हैं तो ऑडियो को मैं यहाँ पर एक वीडियो में से ही एक ऑडियो को निकालने वाला हूँ। तो देखते हो मैं इस वीडियो के अंदर से यहाँ पर ऑडियो निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। फाइनली मैंने ये वीडियो ऐड कर दिया है एंड वीडियो ऐड करने के बाद ऊपर आप लोगों को 3 डॉट पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आप देखते हो आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो बट यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेक्ट ऑडियो का, तो आपको एक्सेक्ट ऑडियो पर क्लिक कर लेना होगा। तो जो इसका ऑडियो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। बट अब हमें इस वीडियो का तो कुछ काम नहीं है क्योंकि हमने इसका ऑडियो निकालना था, वो तो ऑडियो तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब आपको इस वीडियो पर क्लिक कर लेना होगा एंड वीडियो पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर लेना होगा। तो ये वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा। अब हमारा फाइनली यहाँ पर वीडियो क्रिएट हो गया है कुछ इस टाइप से ठीक है। अब गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस वाले आइकन पर टैप कर लेना होगा, एक्सपोर्ट पर टैप करना होगा। तो फाइनली ये वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड वगैरह, हर जगह वीडियो को यार शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लग जाए कि इस टाइप की वीडियो आखिर एडिटिंग कैसे होती है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।